राजस्थान की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। बीजेपी यहां भी विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ी। बीजेपी को 5 सीटों पर जीत मिली है, 1 सीट पर भारत आदिवासी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी है। उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत पर देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। खींवसर, झुंझुनू, सलूम्बर, देवली, उनियारा और रामगढ़ का विधानसभा उपचुनाव बीजेपी जीत गई है। वहीं दौसा में कांग्रेस तो 84 सीट पर बीएपी को जीत हासिल हुई है। खींवसर के नतीजे चौंकाने वाले रहे। हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहाँ बीजेपी के रेवंत राम डांगा से चुनाव हार गए। साल 2023 में रेवंत राम डांगा को खींवसर में करीब 77,000 वोट मिले थे। इस बार खींवसर विधानसभा सीट में मुकाबला त्रिकोणीय था। कांग्रेस ने यहां से रतन चौधरी को मैदान में उतारा था। खींवसर सीट पर पहले हनुमान बेनीवाल का लगातार कई सालों तक कब्जा रहा। ये सीट इसीलिए खाली हुई थी क्योंकि यहाँ के विधायक हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए। आरएलपी की टिकट पर इस बार हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल पर भरोसा जताया और आरएलपी के टिकट पर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव जीतने के बाद हनुमान बेनीवाल और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा दी, मगर सफलता हासिल नहीं हुई। देवली उनियारा सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हाथों से छीन ली है। यहाँ पर बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि इसकी बड़ी वजह थप्पड़ कांड के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को भी माना जा रहा है। थप्पड़ कांड के बाद पूरे उनियारा में नरेश को लेकर मीणा वोटर्स का कंसोलिडेशन हुआ और इससे कांग्रेस के केसी मीणा नतीजों में तीसरे नंबर पर आ गए। इस बार सबसे रोचक मुकाबला सलूम्बर सीट पर देखने को मिला। यहां 21 राउंड तक बीएपी आगे चल रही थी, मगर आखिरी राउंड में बाजी पलट गई और भारतीय जनता पार्टी की शांता अमृतलाल मीणा चुनाव जीत गई। सलूम्बर एकमात्र सीट थी जो उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास थी। दौसा की सीट कांग्रेस के डीसी बैरवा के पक्ष में गई है। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा दौसा उपचुनाव हार गए हैं। हारने के साथ ही जगमोहन मीणा ने बयान दिया कि जब अपने ही बेवफा हो जाए तो कोई क्या करे। रामगढ़ सीट पर भी बार बार समीकरण बदलते रहे। शुरुआत में कांग्रेस के आर्यन जुबेर खान लीड कर रहे थे, मगर इसके बाद बीजेपी के सुखवंत ने वापसी की और राउंड पूरे होते होते सुखवंत ने यह मुकाबला अपने नाम किया। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को सबसे बड़ा तगड़ा झटका अगर कहीं लगा है तो वो झुंझुनू में लगा है। कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ था। यहां 21 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की और कमल खिला दिया। झुंझुनू में बीजेपी के राजेंद्र भांबू ने कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे शीशराम ओला के पौत्र और कांग्रेस प्रत्याशी अमित ओला को जबरदस्त करारी हार दी। राजस्थान की 84 विधानसभा सीट को आज अपना नया विधायक मिल चुका है, जहां भारत आदिवासी पार्टी के अनिल कटारा ने अपने झंडे गाड़ ही दिए। कटारा ने भारतीय जनता पार्टी के अनुभवी और चहेते कारीलाल ननोमा को हरा दिया। कांग्रेस के महेश रो तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें कि कटारा ने मतगणना शुरू होने के साथ ही अपनी बढ़त बना ली थी, जो कि लगातार जारी रही। किसी भी राउंड में कटारा पिछड़ते हुए नजर आए ही नहीं। तो लबोलुभाव ये कि प्रदेश की 5 सीटों पर कमल की धमक देखने को मिली और इस जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह चरम पर है। मिठाइयां खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर भारतीय जनता पार्टी इस जीत का जश्न मना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।